दोस्तों, आज मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था और जैसा मेरा हालत है वैसा आप लोगों का भी होगा जो भारत से प्यार करता हो। कल वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया और मुझे इसलिए ज़्यादा दुख हुआ कि किसी ने भी अगर देखा जाए, इसका आकलन किया जाए कि मैच कैसे हारा, तो मुझे लग रहा है कोई भी प्लेयर ने एक टाइम के बाद होप छोड़ दिया था, या वो जो फाइट स्प्रिट, फाइटर स्प्रिट होता है ना, वो किसी में नहीं था। नहीं तो मैच कोई ऐसा नहीं था कि एकदम बिल्कुल एक तरफा था या हार सकती थी इंडिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग पहले से ही होप हो गए, उनमें वो जुझारूपना नहीं था। जब धोनी कैप्टन थे और उस समय एक जुझारूपना था जब उन्होंने लास्ट में युवराज सिंह वगैरह ने रन मार कर और मैच को जिताया था और 91 MS धोनी ने मारा था, वो दिखा नहीं है मुझे। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा लेकिन पूरा आकलन करके। लेकिन मैं हूं आपका दोस्त रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, टाइगर थ्री के कलेक्शन में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया और ये ड्रॉप जो है, अब कोई भी वजह बता दे कि क्रिकेट मैच चल रहा था उसकी वजह से, अब तो मंडे आ गया, अब क्रिकेट भी खत्म हो गया संडे को, तो पता चल जाएगा कि टाइगर थ्री जो है कितने पानी में। मैं पहले भी सवाल उठाया था कि आजकल हर मूवी 4-5 महीने में मतलब 200 करोड़ तो इजीली क्रॉस कर जा रही है, पता नहीं क्या क्या चक्कर है, क्या एस्टिमेट है, किस तरह का जो व्यवस्था है, मेरे को समझ के परे की बात है। लेकिन चलिए इनके छोड़ के आगे बढ़ते हैं और टाइगर थ्री का जो कलेक्शन है अभी तक वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइगर थ्री का जो 7वें दिन इसका जो एडवांस बुकिंग हुआ था वो करीब करीब हुआ था आपको 3,94,00,000 और इसके शो थे 15,011 और टिकट बिका था 1,62,213, जिससे इस मूवी ने, अब ऑफिशियल डाटा आ गया था, हम लोग एस्टिमेट लगा रहे थे कि 17-18 करोड़ कमाएगी, तो वही कमाया 18,50,00,000, जिससे इसकी पूरी जो ओवरऑल जो इंडिया में कमाई हो जाती है वो पहुंच जाती है 219 करोड़ के आसपास। और हिंदी में केवल इसने कराया 18,25,00,000 रुपये, तो जिससे पूरे हिंदी की जो इसकी कलेक्शन है वो 214 करोड़ के आसपास पहुँच जाती है। 85 करोड़ जो है ये वो अपना ओवरसीज से कमाती है, तो अगर देखा जाए तो अगर 85 करोड़ जोड़ ले तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका पहुंच जाता 348 करोड़ के आसपास और इंडिया ग्रॉस हो जाता 263 करोड़। तो ये तो हो गया टाइगर थ्री का जो 7 दिनों तक का कलेक्शन है वो। लेकिन जो इसका जो गिरावट शुरू हुआ है एडवांस बुकिंग में वो अभी भी जारी है। आप देखिए, पहला दिन इसने 23 करोड़ का एडवांस किया, उसके बाद 17.5 करोड़ का, तीसरे दिन 11.5 करोड़ का, उसके बाद चौथे दिन से इसकी जो एडवांस बुकिंग में गिरावट हुई है करीब करीब 5.5 करोड़ से, फिर 4.5 करोड़, फिर 3.5 करोड़, फिर 4 करोड़ के आसपास, अब जो 8वें दिन का एडवांस बुकिंग है उससे भी नीचे गिर के आई है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो गिरती जा रही है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी गिरता जा रहा है, और ज़्यादा नहीं विगत 7 दिनों में। अब इसका क्या वजह है वो तो अलग बात है, इन चीज़ों पर तो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार इसके ऑक्यूपेंसी को देख लेते हैं, जो कि मॉर्निंग में 11.53% था, आफ्टरनून में 18.79% था, 7वें दिन की बात कह रहा हूँ, इवनिंग में इसका ऑक्यूपेंसी था 24.12% और नाइट शो में 13.82%। लेकिन अगर आप संडे को, ये मैं सैटरडे था 7वां दिन, अगर 8वें दिन में जाते हैं तो इसकी ऑक्यूपेंसी देखते हैं ना तो वो बहुत गिर जाती है, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल था क्रिकेट मैच का, तो इसलिए लोग थिएटर में गए नहीं होंगे देखने के लिए, ये हो कहा जा सकता है। मॉर्निंग में इसका 13.45% ऑक्यूपेंसी था 8वें दिन संडे के दिन, आफ्टरनून में 15.31%, इवनिंग में 16.38% और नाइट में बहुत गिर गया 13.86% के आसपास की इसकी ऑक्यूपेंसी है। अगर इसका शो काउंट भी देख लें तो दिल्ली NCR में जो पहले इसका शो था 1037 था, वो घट के करीब करीब 900 के आसपास का इसका आ गया शो।
दिल्ली में इसका 20% के परसेंट सातवें दिन में 20% के आसपास इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी। और नेशनल अगर मुंबई में देखा जाए तो 1037 शो में 20% के आसपास इसकी ऑक्यूपेंसी है। ऐसे ही आप पुणे में देखेंगे तो 402 में 24% के आसपास ऑक्यूपेंसी है, बेंगलुरु में 331 में 24% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद में 297 शो है उसमें 24% के आसपास ऑक्यूपेंसी है, कोलकाता में 366 शो है जिसमें से 19.25 मतलब 19% के आसपास ऑक्यूपेंसी है, अहमदाबाद में 652 शो है और 22% के आसपास ऑक्यूपेंसी है। ये सात दिनों का है, लेकिन वहीं जब आप जाते हैं आठवें दिन में तो इसकी ऑक्यूपेंसी बहुत गिर जाती है। मुंबई में 910 हो गए, जो पहले 1100 शो था सॉरी, तो अब 14% के आसपास ऑक्यूपेंसी है। दिल्ली एनसीआर में 1414 शो है जिसमें 15.25% की ऑक्यूपेंसी है, पुणे में 376 का शो है जिसमें 11.75% की ऑक्यूपेंसी है, बेंगलुरु में हर जगह ऑक्यूपेंसी गिरती जा रही है, 332 है मतलब 332 इसके शो है, बेंगलुरु में 15% की ऑक्यूपेंसी है। ऐसे ही हैदराबाद में 296 शो है, 18.75% की ऑक्यूपेंसी है। सबसे कम है इसका ऑक्यूपेंसी जो है आप देखने जाएंगे तो इसका सूरत में है, वो काफ़ी 10% के आसपास ऑक्यूपेंसी, भोपाल में भी 7% के आसपास ऑक्यूपेंसी है। तो कहने का मतलब है कि मूवी का जो गिरावट है वो सातवें दिन में ही जारी रहा, और आठवें दिन में इसका एडवांस बुकिंग पर आप चर्चा कर लेते हैं और उससे हम आइडिया लगाएंगे ये क्या कमाएगी। आठवें दिन में जो कुल टिकट सेलिंग हुआ है इसका 151,814 की टिकट सेलिंग हुई है, जिससे इसके एडवांस बुकिंग 3,11,00,000 एडवांस बुकिंग हुआ है, और इसके शो जो सातवें दिन में 15,011 शो थे अब वो घट के हो गया 14,555 शो। तो अब इसे अब आइडिया लगा सकते हैं कि तीन करोड़ के आसपास अगर इसकी एडवांस बुकिंग है तो कहीं ना कहीं मूवी है 15 से 16 करोड़ के आसपास कमाएगी। तो अगर ये कमा लेती है 15 से 16 करोड़ तो मुझे लग रहा है कि ये मूवी जो पहुंच जाएगी 240 करोड़ के आसपास इंडिया में पहुंच जाएगी, और इसी तरह से 360 के आसपास से पहुंच जाएगी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। आगे देखना होगा कि मूवी जो इस हफ्ते जो कि अब मंडे से शुरू हो जाता है वीकडेज, तो ये मूवी उसके बाद टिक पाती है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी अब ये उठ नहीं पाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। लेकिन चलते चलते आपको भी दुख होगा मुझे भी दुख होगा, और ये मैं मानता हूं कि भारतीय टीम किसी ने भी ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा नहीं बोला हूं कि खिलाड़ी अच्छे नहीं है, जो कि ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने जीतने के लिए खेला हो, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। और कई बार तो मुझे लगा कि एज ए कप्तान रोहित शर्मा ने 2-3 निर्णय गलत लिए, जब आप देखेंगे जब जडेजा के बॉल पे उनको DRS लेना चाहिए था उस समय उन्होंने DRS नहीं लिया, इस दबाव ही पड़ता है किस लिए वेट करो, बैटिंग अलग आपकी ख़त्म ही हो चुकी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि DRS उनको लेना चाहिए। इसे प्रतिद्वंदी जो टीम होती है अपोनेंट जो होते हैं उनके ऊपर एक दबाव भी पड़ता है, वो दबाव डालने का प्रयास भारतीय कोई भी टीममेट और कैप्टन ने नहीं किया। दूसरा फील्डिंग बहुत ही ढीला था, ऐसा लग रहा था कि जब उनकी 133 के ऊपर रन बन गए थे ऑस्ट्रेलिया के तो पहले से ही लोग बॉडी लैंग्वेज से हार मान गए थे, वो लोग ना बॉल उठाने के लिए दौड़ रहे थे, मतलब जुझारूपन नहीं था। धन्यवाद।